समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। गौतम ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, मगर फिर भी वो जानते थे कि ये जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी, तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के जीवन के सबसे मूलभूत पहलुओं में से एक ये है कि वो कभी भोजन नहीं मांगते। गौतम ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वो उस दिशा में नहीं जाते थे जिधर भोजन मिलने की संभावना होती थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को इतना नष्ट कर लिया कि वो बस हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। एक दिन वो नीरांजना नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने धारा को पार करने की कोशिश की, आधी दूरी पर वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। वहां एक पेड़ की टूटी हुई टहनी थी जिसे उन्होंने पकड़ लिया। उनके अंदर अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या ये है कि वो आत्मज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आत्मज्ञान को खुद के साथ घटित होने नहीं दे रहे। अचानक उनके अंदर नदी पार करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने की ताकत आ गई। वो जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने निश्चय किया, मैं यहीं बैठूंगा, या तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा या यहीं प्राण त्याग दूंगा। और उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया।